फाइनली चेक इन होने वाला हमारा हाउस बोट में, फर्स्ट टाइम लाइफ एक्सपीरियंस। वाह, ये तो मार्केट है यार। और हमने किया है अपने प्यारे पाई को कॉल, और यहाँ पर ठंड और बढ़ गई क्योंकि बारिश हो गई है शुरू। ओए लखनीत। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। तो व्लॉग वहीं पे शुरू होता है जहाँ से खत्म हुआ था, हाउस बोट के किनारे। और सबसे पहले उधर जाने के लिए अपने को सारा सामान उतारना है। ये सारा सामान उतरेगा, हाउस बोट पे जाएगा, तभी तो हम आपको वहाँ के शॉट्स दिखा पाएंगे। नीतू इतनी खुश है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, कैसा लग रहा है? और हल्की हल्की बूंदे होनी स्टार्ट हो गई है भाई। सच में अमेजिंग जगह, बहुत सुंदर। आप एक बार ब्यूटी देखो यार यहाँ की। अच्छा, ये जो हाउस बोट्स है ना, ये आप चाहे तो एक इसका टूर लेके आ सकते हो थोड़ा सा अंदर का, या फिर आप रुक भी सकते हो, जैसे कि अभी हम रुकने वाले, आपको दिखाने वाले हो सारी चीजें। चलो टंटड़ा, अपने को जाने अंदर। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है यार ये। अब इसमें बैठ के जाएंगे वहां तक, इसमें लगेज आ पाएगा, लेकिन एक में तो लगेज भी एक ही में आ जाएगा। चलो चलो, फोन वन तो कोई बाहर नहीं है, देख लिया, बहुत पुराना रिश्ते है ना। मुझे उम्मीद नहीं थी तेरे आने की। टीपू भाई मुझे पीछे बिठाना पड़ेगा। एक बार अब देखना, अब आप देखना यशी का रिएक्शन। यशी भैया, यशी को बहुत डर लग रहा है। शूज उतार के ऊपर आराम से बैठो, गिरने के चांसेस नहीं है ना। कहीं जगह बिल्कुल आराम से बैठी हूँ। टीपू भैया का हम लोगों को डर लग रहा है। टीपू भैया हमें, यशी हमें टीपू भैया का डर लग रहा है ना। उधर ही रखो। ओह गॉड, क्या करना है? अरे नहीं डूब रही है, तू अलग ही परेशान हो रही है। कुछ नहीं होगा। बैलेंस बनाना अभी वो। अरे हमारा सामान, सामान रहने दो ना उधर। क्या करना भैया? भैया बोले क्या करना सामान का? अरे हमारा सामान है क्या? एक मिनट, मम्मू मुझे जा बुलाना। अरे भाई अपना बंदा कोई है ना वहाँ पे? गाइस जस्ट फील दिस लोकेशन, फील दिस वाइब यार, मतलब जन्नत है यार सच में। कितनी भी सुंदर जगह आ जाओ, कोई ना कोई ऐसा होता है कबाब में हड्डी वाला। इसको डर लग रहा है जब से। यार बोट तो हिलेगी, ऐसी प्लेन भी तो हिला था। तुम तो बहुत मजे लेते ना जिस टाइम। ये यहाँ का टर्बुलेंस है भाई, गिर भी जाती है बोट कभी कभी। टीपू भाई ये बैलेंस करने के लिए एक बात बताओ, सबसे ज्यादा ट्रिप एंजॉय कौन कर रहा है? यशी। नीतू तेरे को भी डर लग रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। नीतू एक बार हिला दे बोट को। नीतू हिलेगी। हे भगवान। और ये हमारा लगेज रखा जा रहा है। वाओ यार, हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी बोटिंग इन कश्मीर। यही थी वो फेमस चीज, और हम यहाँ बैठ के आपको मतलब बता भी नहीं सकते कितना अच्छा लग रहा है इस टाइम। कश्मीर जरूर आना। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। वाओ गाइस, गाइस देखो कितना सुंदर है यार। नीतू एक मेजर डिफरेंस बता जो तेरे को यहाँ के लग रहा है और हमारे दिल्ली से बता। ये बहुत ज्यादा सुंदर है, मतलब कुछ और मेजर। हाँ सबसे ज्यादा है ना, पोल्यूशन इतना कम है यहाँ पे कि देखो विजिबिलिटी कहाँ तक है, मतलब कैमरे पे यार आप, क्योंकि मैं फोन पे शॉट्स ले रहा हूँ। हाँ तो आपको ज्यादा क्लियर दिख भी नहीं पा रहा होगा, लेकिन मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है यहाँ पे। और फाइनली हमारी हाउस बोट्स आ चुकी है, बस पानी साफ नहीं है ये वाला, क्योंकि रुका हुआ पानी है इसलिए, है ना। पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। ये प्यारी प्यारी हाउस बोट्स है। थैंक यू भैया, आपने डर नहीं लगने दिया। शूज उतार के मजे से बैठी हुई थी यार, एंजॉय कर रही थी। सबसे पहले उतरते यार यशी, क्या तेरी नजर है यार, मतलब बहुत सुंदर है जगह। लेकिन मुझे एक चीज का पता डर क्या लग रहा है कि अगर यहाँ से फोन गिरा ना तो नीचे गया सीधा। थोड़ा सा मेकअप करना है मुझे और यशी को, उसके बाद हमें जाना है पूरा ये सैर करने, है ना, इसका ट्रिप लेना है। आओ चलते हैं अपनी बोट के अंदर। इसका नाम है मुमताज महल, देखते हैं मुमताज महल अंदर से कैसा है।
फाइनली चेक इन होने वाला हमारा हाउस बोट में, फर्स्ट टाइम लाइफ एक्सपीरियंस। कैसा लग रहा है भाई अंदर से? ये यहाँ का डाइनिंग एरिया शायद, मैंने सोचा था जल्दी से यहाँ पर आके चेक इन करेंगे और फिर जाके इनको टूर कराएंगे बाहर का, लेकिन नीतू मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, तू बहुत लेट कर रही है यार। यार मेरी ना आईब्रोज बन रही है। जल्दी कर यार, 2 मिनट में हो जाएगा। पता है बाहर अगर लाइट्स डिम हो गई ना तो फिर हम कुछ नहीं दिखा पाएंगे व्लॉग्स में। लेकिन ये जगह देखो ऐसा लगता है किसी हम मतलब 1950s में आ गए हो, वहाँ के किसी हवेली में। एक तो ना पूरा ये लकड़ी का बना हुआ है और इसमें लाइट्स लगे हुए हैं, बल्ब बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखो है ना अच्छा, और ये पूरा इधर और उधर सब झील है वो, और ये वॉशरूम यहाँ का, ये इतने सारे सोफा है बैठने के लिए, ये एक तरीके का स्टोर रूम यहाँ पे, और ये वॉशरूम, और यहाँ पे बाथ टब वगैरह सब है ना। अच्छा यार कुल मिला के दोस्तों, पैर में पता नहीं इतना दर्द हो रहा है मेरे, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब चलने में भी दिक्कत हो रही है अब तो। इधर हे भगवान थोड़ी सी एनर्जी दो मुझे, देखना इसको देखना ये कैसी बनी हुई है। ओ स्नोमैन बहुत ठंड है, इतनी ठंड है, वाओ स्नोमैन। सूरज भैया लुकिंग स्मार्ट डियर। ये अमेजिंग चीज एक बार यशी को दिखाता हूँ, उसको जरूर अच्छा लगेगा। यशी देख बहन, तेरा दिन बन जाएगा। सबसे पहले ये आ गया यार, मत करो प्लीज। यार ये होता है यशी, इट कैन हैपन विद एनीवन। तो फिर मैं मुझे डरा, डरा नहीं रहे भाई, हम तुझे पहले से आगाह कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे अंकल आए हमें हमारी हाउस बोट में पनीर टिक्का सर्व करने। गुड अंकल, ये मतलब नॉन वेज भी रखा है इसमें और अंदर पनीर भी है, आप देखोगे तो मजा आएगा यार, ये कुछ नई चीज एक्सपीरियंस करने वाला हूँ मैं। लगा दो अंकल। और मैं कुछ ऐसे निकल रही हूँ बाहर क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अगर आप भी यहाँ पर ट्रिप में प्लान कर रहे हो और आपको ठंड लगती है तो प्लीज अपनी जैकेट्स लेकर आना। एंड मोमेंट पे लखन ने बताया था कि जैकेट ले लो, अदरवाइज हम लोग ले नहीं रहे थे, हम लोग फ्रीली आ रहे थे, हमें कुछ होशो खबर ही नहीं थी। एक चीज़ और बताऊँ काम की, मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर घर पर ही भूल गई और मैंने मेकअप ऐसे से हाथ से किया है, और हाथ से मेकअप करना मुझे बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक लगता है, करना पड़ा, क्या कर सकते हैं। और यार वेदर बहुत सुंदर है, सब मुझे देख के हंसने वाले हैं कि ये लड़की पागल है क्या, ऐसी ओवर जैकेट पहन के, क्योंकि जिसको भी मैं देख रही हूँ ना नहीं पहनी। सुनो सूरज, सब देख के मुझे क्या समझेंगे कि ये ओवर जैकेट है ना, आपको वहाँ पा वो बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं दूर, वहाँ छोड़ेंगे। ऐसे मत बोले यार, मैंने लेंस लगा लिया, मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है। लगन जगह तो बहुत सुंदर है, और तुम दोनों भाई बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहे हैं। दिखाओ भाई, अब इन पे दिखाओ ना, मुझे दिखा रहे हो, और मैं बन गया हूँ ब्लैक बेल्ट। नाइस नाइस, इन पे दिखाओ, ये कुंफू दिखाएंगे आपको। नहीं नहीं भाई, अच्छा कुंफू कराटे अलग अलग होते हैं, नई ज्ञान की बात हमें पता चली है, प्लीज को गलत प्रूफ कर दो यार। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरीज, और ये बहुत मुझे तो ये वाली बहुत प्रिटी लग रही है। ये पूरा अपना सामान लेकर आए हैं ये भैया, क्या प्राइस है इसका भैया? ये 550 का है, ये वाला 550 का है। ओके इसका प्राइस सेम प्राइस, कोई भी सारे जो भी ले लो 550। Everything is 550. Oh God, ये बहुत प्रिटी लग रहा है। ये देखो delicate moonstone, इसका कलर चेंज होता है सन में। ओह, इसका कलर चेंज होता है सन में, सन तो आ गया है। I don't think इसका कलर चेंज हो रहा है। Nice. यार बहुत ही यहाँ पर मुझे अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं, और ठंड भी बहुत लग रही है, पता नहीं क्यों ठंड लग रही है, ठंड हो रही है तो ठंड लगेगी ना। ठंड हो रही है तो ठंड तो लगेगी। और ये भी देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। और यशी को अब बहुत सुना रहे भैया, क्योंकि यशी को बहुत डर लग रहा है। ये तेरे को तो सच में डर नहीं लगता यार? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आराम से गाइस लेटी हूँ, इतना मजा आ रहा है। बहुत ही सुंदर लोकेशन, बाय बाय किसको करते हैं, साथ साथ ही यार सब लोग। ओ तुम लोग, ये तो सूरज है ना, वो यशी है ना। यार आई एम अ बिग फैन यार, ऐसी हमारी मस्ती चलती रहती है यार, और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना, दो दोस्त बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत साथ में हमारा लवर, इतनी प्यारी सी लोकेशन। मैं भी सोच रही थी कि मैं भी कुछ कश्मीरी आउटफिट लेकर आऊँ, पहनना चाहिए, हमारे तो प्लान ही नहीं बन रहे थे, अब जाना है कल जाना है, हाँ कैंसिल और हो रहा था, कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन तू ऐसे ही प्यारे लग रही है यार। क्या बोल रहे हैं अंकल? अंकल क्या बोल रहे हैं? पानी में बैठ के पानी भेज रहे ये भैया, पानी भेज रहे मछली को तो प्यास लगती है। लगती होगी मछली को प्यास, पता नहीं यार भाई, सवाल है आप सब बताओ कमेंट्स में। ये एकदम परफेक्ट मोमेंट है मेरे लिए, इतनी सुंदर जगह और इतनी सुंदर मेरी नीतू बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है, मैं तो बस पता है तेरे को देख रहा हूँ बहुत टाइम से यार।
कुछ और देखने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। मुझे एक बार भी नहीं बोला कि मैं अच्छी लग रही हूँ। यार तू अच्छी, यार कोई नई चीज हो तो मैं डेली बोलूं। बोला करो, लड़कियों को अच्छा लगता तारीफ सुनना। अब लड़कियों का मुझे नहीं पता ना यार, मुझे तेरा पता है। यहाँ पर लेडीज भी काम कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ यार है ना। और देख नहीं तो यहाँ पे ये कैफेटेरिया है, पर्शियन कैफेटेरिया। सब कुछ बोट से है यार, यहाँ से एक्सेसिबल है सारी चीजें। ओ वाह, यहाँ पे सिम भी मिल रहा है, अपने को जरूरत भी है। कहाँ कपड़े मिल रहे हैं? ओ वाह, ये तो मार्केट है यार। अच्छा मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। गाइस हम क्या क्या लेने वाले हैं, कैसा कैसा लेने वाले हैं, सब आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और कितने का लेने वाले हैं वो भी हम सब आपको आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। आज से फर्स्ट डे था, डे वन था, अब डे टू, डे थ्री, जितने भी दिन हम यहाँ पर है बहुत फन करेंगे, क्योंकि हमारे यार हमारे साथ है। ग्रीन वैली ड्राई फ्रूट शॉप, यहाँ पर भी कुछ है क्राफ्ट। वाओ यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी, इससे सुंदर जगह मैंने नहीं देखी। सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है और पीसफुल है ये जगह ना। पीसफुल है, मैंने इमेजिन भी नहीं की थी इतनी सुंदर भी जगह। ये यहाँ का OMG वाओ यार, व्यू देखिए। ये यहाँ का मेन सोर्स ऑफ इनकम, भाई हमारे मेहनत कर रहे हैं। गुड यार, कीप इट अप। वाओ, पूरा मार्केट यहीं से दिख रहा है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। यहाँ पर बिजली कैसे आती है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे शॉप्स हैं। लगे तो हुए हर जगह, अभी यहाँ पर घर नहीं है सब। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख पा रहा है या नहीं, क्योंकि कैमरे में जूम करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तिरंगा है, वो शायद कैमरे की वजह से नहीं दिख पा रहा। हाँ पता भी नहीं चला, तो एक घंटा तो हमें आए हुए नहीं हुआ और ये चेंज भी हो गया। लेकिन मार्केट बहुत अच्छा है, सुंदर। लगन आ जाओ मेरे पास, ताकि हम अभी गिर जाते तुम। यार मेरा मन कर रहा है मैं यहीं पर रहूं एक महीना। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर एक महीना तो एटलीस्ट रुकूं। मेरा मन कर रहा है तू रुक जाए यहाँ पे। मेरे लिए तो फिर मेरा घर ही कश्मीर है। रहने तो जब मैं मेरी मम्मी के घर भी जाती हूँ तब भी तो मुझे डिस्टर्ब करते हो बहुत। मैं डिस्टर्ब करता हूँ तुझे? तू रुकती तो है नहीं, अगले दिन तो आ जाती है। मुझे भी तुम्हारी याद आती है ना। और भी सुंदर जगह है ये। पैराटो पैराटो हमने यहाँ पर ये रील के लिए लिया था, तब तक मेरे पैरों पर पैर रख दिया। कितना सुंदर लग रहा है यार सामने देख। वाओ, न्यू एशियन हैंडलूम एम्पोरियम। वाओ, तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो मेरे कुर्ते पे। यहाँ कारपेट्स मिल रहा है यार, इतने कारपेट्स लेकर कौन कौन जाए, लेकर कौन जाए। लेकिन ये का जंगल सा एरिया यार, बिल्कुल है ना, ये तो डर लग रहा है यार। हाँ, पैडल डालते है ना, डालते ऐसे, मतलब ऐसे डालते है और निकलता है ऐसे। यहाँ पर कीर्तन हो रहे हैं क्या? पेड़ा डालता है ऐसे निकलता है। कीर्तन हो रहे हैं यहाँ पर कहीं? हाँ यार लग रहा है, कोई पार्टी चल रही है। ये घर है किसी का यार, घर बना ना? मुझे लग रहा कीर्तन चल रहा है कहीं। घर किसके भाई है? विलेज है, साढ़े पाँच लाख से ज्यादा आबादी। ये पूरा विलेज है और यहाँ पे 5.5 लाख से ज्यादा आबादी है, और आना जाना सब बोट से होता होगा ना। हर घर में बोट है, हर घर में बोट है यार। कह रहे हैं हर घर में BMW है, मर्सिडीज है। अड़ गई यार, तुम हमसे दूर हो जाओ प्लीज। एक नॉलेज की बात पता चली है कि यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पर GST नहीं है, और इनकी खुद की शॉप है, यहाँ पर रेंट भी नहीं है। लेकिन क्या क्या पता चला, GST वगैरह कुछ नहीं लगता, और इन लोगों का पूरा काम एक्सपोर्ट का है। यहाँ पे जो पूरा गांव है, साड़ीज वगैरह सब पश्मीना साड़ीज। अमेजिंग। और ये लेक के किनारे पूरा गांव बसा हुआ है, 5.5 लाख की आबादी। अमेजिंग। और देखो लखन को कितनी सारी चीजें ले आया, अपने भाई सूरज के लिए रेड बुल भी लेकर आया हूं सूरज के लिए। वेरी गुड, खाने का मौका कहीं नहीं छोड़ते तुम। और हमने किया है अपने प्यारे पाई को कॉल। पाई दिख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, नेटवर्क हमारा अच्छा नहीं है, पाई का तो अच्छा ही होगा। खैर हेलो पाई, सबको हेलो बोल दो, सब आपको बहुत याद कर रहे हैं। हमारे पाई हमेशा खुश रहते हैं, नहीं खुश मिजाज है पाई।
हेलो भाई, कैसे हो आप? हम आपको मिस कर रहे हैं। भाई को दिखाई दे रही आप? भाई ये देखो कितना सुंदर नजारा है। आप कहाँ हो? कॉल कट रहा है भैया ना, आवाज कट रही है। चलो हम रूम में जाके कॉल करते हैं आपको, ठीक है? पाई से ठीक से बात नहीं हो पाई क्योंकि पाई आवाज कट रही है। कोई बात नहीं, हम रूम में जाके कॉल करेंगे पाई को। और यहाँ पर ठंड और बढ़ गई क्योंकि बारिश हो गई है शुरू। बहुत देर ठंड लग रही है यार, बारिश पड़ने वाली लग। सो मुझे तो खिलाओ यार, कहाँ पर हूँ तो ठंड में यार। अरे वीडियो ने तो पूरा खा जाती इसको। मैं आपको बता, मैं बाहर का खाना नहीं खाती, अवॉइड करती हूँ। कैसे खा सकती हूँ? लक्सू आई लव यू। बारिश हो गई, मैंने अपना बैग भी इधर रख लिया वरना वहां पर भीग जाता। लगा ने मुझे याद दिलाया सो रहा सब कुछ। बारिश, इतना सुंदर नजारा, सब कुछ और वेदर इतना अच्छा, ना ठंडी ना गर्मी। मतलब अब तो ठंड थोड़ी बढ़ गई है, ज्यादा थोड़ी नहीं ज्यादा बढ़ गई, बट यार बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ, अभी मैंने ये सोचा कि और सारे ट्रिप करने से अच्छा था हम यहाँ पर आते। अभी तक की बेस्ट जगह लग रही है ना, बेस्ट जगह अपना इंडिया है। इतना अच्छा यार, इंडिया से अच्छा तो कुछ है नहीं। है ठंड में कुल्फी जम चुकी है, बारिश बारिश बहुत तेज हो गई है और अब बोट आगे नहीं जा सकती क्योंकि इतनी तेज हवा यहाँ चल रही है। और ओह शिट, ठंड लग गया बहुत तेज। ओह गॉड, लगन लगन है, मगर अपना एक सामान नहीं छोड़ा, अपने शूज चिप्स लेस जो भी लिए थे यार। आज एक चीज समझ आई, जिनके घर कच्चे होते हैं ना, जिनके घर नहीं होते, वो क्या हाल होता है बारिश में और ऐसी ठंडी में। सच में भगवान सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि रखना यार। और सच में मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतनी ठंड हो जाएगी एकदम से, बहुत ही ज्यादा ठंड है। और जो मैंने स्टाइलिश जीन्स पहनी थी ना, इसका कचुम्बर बन चुका है, मेरे पैर बिल्कुल सुन हो गए हैं। हमारा रूम बहुत दूर है और सबसे दूर सिर्फ हमारा ही रूम है, मेरा और यशी का। यशी आदि कपड़ी ककड़ी जम गई और हमारा रूम सबसे कोने में है। इन दोनों का तो इन्होंने पहले ले लिया, हमारा लास्ट में रखा है गाइस, एकदम कोने में। मैं दिखाती हूँ, ये है सूरज और लखन का रूम और हमारा रूम खाए और हमारा रूम ये है। तुम तो मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जाओ अपने हम दोनों के रूम से निकलो। ये भी तो हम दोनों का रूम देखो कितना फैला हुआ है, ये बड़ा है। ये मैं, टीपू भैया और लखन भाई एक साथ ही। अपना जाओ बाहर, ऐसे हम लड़कियों का रूम, लड़कियों को ज्यादा स्पेस चाहिए होते हैं। तुम क्या नाचती हो यहाँ पूरे और क्या? दो दो सेंटीमीटर निकलो यहाँ से, दोनों बाहर निकलो। ये लेना है तो निकालो भुजिया, ले वो भी ले, वो भी ले। ये हमारा सामने तुम तो आगे थे, तुम लोग कैसे पीछे हो गए हमसे? अरे वो साइड में रुक गए थे। अच्छा वो भाई हमारे बोट पर बारबेक्यू देने आए हुए थे, उनसे मशरूम लेने वाले हैं। यशी तो बाहर तक आ गई, इतनी एक्साइटेड। और एक और चीज यार, सोचो इतनी ठंड में यहाँ पे अपने लिए मशरूम मतलब दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना। अच्छा यार बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है इन सब। बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्रोग्रेस कर रहा है और टेस्टी भी है यार, टेस्टी है। अब देखो इतनी माहौल देखी है ना, एग्जैक्टली हल्की हल्की बारिश, इतनी भयंकर ठंड में जहाँ हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। ये भैया लेक में अपनी बोट पे बैठे हैं और हमारे लिए मशरूम बना रहे हैं। सोचो भाई किस टाइम हो यार, 2 बजे के बाद सोते हो भैया आप? हार्ड वर्क। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, हमको सपोर्ट करना है इसी तरीके से। कल का व्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है। अभी इस व्लॉग को अचानक से एंड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे गुची की ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और हम लगातार कॉल पे लगे हुए हैं, पूछ रहे हैं उसकी तबीयत मतलब कैसी है, सारी अपडेट्स ले रहे हैं। थोड़ी टेंशन में इसी व्लॉग को एंड कर रहे हैं। प्लीज यार आप लोग लाइक जरूर कर देना और प्रे करना गुची जल्दी से ठीक हो जाए। कल सुबह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, आई लव यू ऑल।